हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज नया एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, मतलब ये है मेरा कहने का कि अनार के बगीचे को क्लीन कैसे कीजिए। ये मतलब नहीं है कि आप कल्टीवेटर चला दो, रोटोवेटर चला दो और ज़मीन के बाहरी हिस्से में जो कुछ भी है वो ज़मीन के अंदर दफन कर दो। ये चीज़ क्लीन करना नहीं है। क्लीन करना ये है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने खूब गोबर की खाद, ये यहाँ पर, यहाँ इसका किला था, यहाँ पर मैंने पूरी ट्रॉली खाली कर दी थी। तो इसके साथ ये देखिए, ये सभी चीज़ों को आपको निकालना है खेत से बाहर। ये प्लास्टिक इतना सारा जो दूसरों से खरीद के हम लोग गोबर लाते हैं, इसमें ये किया जाता है। घर का सारा कचरा है वो भी गोबर के ऊपर डाल देते हैं, क्लीन गोबर नहीं बनाते और मजबूरी में हमें लाने पड़ता है। ऐसी ईंटें भी निकलती है, ये अब देखिए ये गोबर के साथ निकली है। और दूसरी बात ये, इस सब चीज़ों को आपको बगीचे के बाहर जाके फेंकना है। और ये जो आप दिख रहे हैं ना कि इसको भी हटा दे, नहीं, ये इसको नहीं हटाना है। ये जो है ना, जो खरपतवार है सड़ी हुई है, तो ये इसी यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर तैयार करेगा। क्योंकि ये यहाँ पर सड़ेगा, इस पर ड्रिपर आएंगे तो सड़ेंगे, तो यहाँ पर ये ज़मीन में अंदर जो यूमिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका वो बनाता है। तो इसको हमें नहीं हटाना है, यहाँ से ऐसे ही रहने देना है। और ये बीच में जो कुछ भी सड़ा हुआ जो पहले साल का है ना, उसको रहने देना है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो दिख रहा है आपको, ये सड़े हुए फल, कम से कम साल में एक बार मैं अभी ये करने वाला हूँ। ये जो सड़े हुए फल सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये जो सड़े हुए फल है उसको इकट्ठा करके बगीचे से बाहर फेंकना है या तो फिर जला देना है। बाकी सब जो कटिंग जो होता है, कई लोग जो कटिंग वाले भाइयों से कटिंग करवाते हैं और बीच में डालकर ऊपर रोटोवेटर चला लेते हैं और ज़मीन में दफन कर देते हैं। इससे बेन नुकसान ये होता है कि जब बारिश आती है और आप अंबिया बाहर ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे अंदर सड़ेंगे और सड़ने के बाद फंगस इतनी ज़्यादा सारी पैदा करेगी, इतनी ज़्यादा कि आप फल को नहीं बचा सकते, ये परमानेंट है। तो आपको पहले तो ये सड़े हुए डालियाँ, प्लग वाले जो फल होते हैं, कोलेटोटिकम वाले जो फल होते हैं, सभी अगले साल है या रेस्ट पीरियड में कुछ फल आए सड़े हुए, सब को कलेक्ट करके बाहर निकालना है। और अगर कोई बैक्टीरियल ब्लाइट ग्रसित जो डाली है उसको निकाल के फेंक देना है बाहर। बाकी का सब जो सड़ा हुआ जो घास है उसको हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक अच्छा सा उपयोग बनेगा किसानों के लिए, अनार का जो बगीचा है उसको। क्योंकि ये जब सड़ेगा तो इनमें से खाद बनेगी, तो उसको नहीं निकालना है। जो मैंने जो ख़रीद के गोबर लाया, कुछ तो ऐसा अच्छा गोबर है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया गोबर है। ये देखिए पूरा का पूरा सड़ा हुआ है। और कुछ ऐसे एक दो ट्रॉली जो आई है वो इसमें मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देखिए ये प्लास्टिक और ये ऐसी चीज़ें बहुत आई है साथ में। तो हम उसको पहले निकालेंगे, इसके बाद इसको कलेक्ट करके इस खाद को अच्छी तरह से एक साथ समान करेंगे। ये देखिए डला हुआ है खाद, इसको समान करेंगे और समान करने के बाद इसमें मसाला डालेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद ये बीच वाले जो रेत है ना, ये निकाली हुई रेत को आपको नहीं डालना है, ये जो निकाले हुए इसके ऊपर ऐसे नहीं डालना है, ये यहाँ से पाउडर लेके यहाँ से भर के ये नई रेत ऊपर डालना है। इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा, तब आप एक अनार की फसल जो है ना उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हो। ऐसे आप नहीं ले सकते, क्योंकि जो आपने लेबर मंगवा दिया, आपने खाद डलवा दिया, वैसे ही उसके भरोसे जो ऐसा कुछ काम है ना, वो अपने आप हाथों से करना पड़ेगा। अभी इसमें मसाला डालने के बाद, ये पूरा का पूरा अंदर का कंप्लीट होने के बाद, हम ये सब सारी चीज़ें जो बाहर आपको दिख रही है ना, उस सब को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोटोवेटर चला के इस ज़मीन को जो ऊंची नीची होगी उसको समतल बना देंगे, बस। इसके बाद इस फल डाल के पानी डालेंगे। अगला वीडियो अब जल्दी ही बना के
आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि मुझे एक नया वीडियो बनाने का हौसला मेरे दिल में बना रहे। थैंक यू सो मच।